लेडी डॉक्टर के साथ नाउ लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं है, होती हैं तो उन्हें पीड़ा होगी कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स संजय रॉय एक सिविक वॉलेंटियर दरअसल पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज की मदद के लिए सिविक वॉलेंटियर पद बनाया गया ये सिविक वॉलेंटियर पुलिस नहीं होते पर कई बार जनता के बीच अपनी छवि एक पुलिस वाले की तरह बनाकर रखते हैं जैसे संजय रॉय ने अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का लोगो लगाया हुआ था वो केपी कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता कोलकाता पुलिस की टोपी पहनता और क्योंकि वो एक सिविक वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहा था तो सभी पुलिस अधिकारियों से जान पहचान भी हो गई थी संजय रॉय दो में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलेंटियर के रूप में शामिल हुआ और कुछ समय बाद उसे आर्जी कर अस्पताल में पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया नियुक्ति के बाद उसने अस्पताल के अंदर घूम घूम के सबसे पहचान बना ली और अब उसे अस्पताल के सभी विभागों में लोग पहचानने लगे बस इसी पहचान का फायदा उठाने के लिए उसने दलाली करना शुरू किया जैसे सरकारी अस्पतालों में भीड़ के चलते आमतौर पर लोग इलाज नहीं करा पाते या कई बार लोग बहुत दूरी से आते हैं और ऐसे में अगर अस्पताल में उन्हें इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी जान पर बन आती है बस इसी की बेबसी का फायदा संजय राय ने उठाया वो पहले ऐसे लोगों को ढूंढता जो काफी बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे हों और उन्हें जाकर कहता कि अगर आपको भीड़ से बचकर फटाफट इलाज कराना है तो मुझे पैसे दो और मैं अस्पताल में आपको एडमिट करवा दूंगा तारीख 8 अगस्त समय रात के ग्यारह बजे संजय रॉय आठ अस्पताल में घुसता है और सीधा एक मरीज के पास पहुँच जाता है जिसे इसने पैसे लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था मरीज कहता है बाकी सब ठीक है बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है तो संजय रॉय उसे कहता है कि चलो मैं करवा देता हूँ और संजय रॉय जाकर उस मरीज का एक्सरे करवा देता है और वापस उस मरीज को वार्ड में छोड़ने के बाद उससे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो बताना इतना कहकर संजय ग्यारह बजकर तीस मिनट से चला जाता है तारीख 9 अगस्त समय रात के एक बजे डेढ़ घंटे बाद यानी अब 9 अगस्त हो चुका है और रात के एक बज रहे हैं संजय रॉय एक बार फिर अस्पताल के अंदर आता है इस बार भी वो अपने एक और मरीज जिसे उसने पैसे लेकर भर्ती कराया है उससे मिलने आता है इस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था इस मरीज की सर्जरी 9 अगस्त को दिन में होने वाली थी और उसकी तैयारी चल रही थी संजय उस मरीज के रिश्तेदार से हाल चाल लेता है और बात करते करते दोनों अस्पताल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं जहां बैठकर दोनों खूब शराब पीते हैं ये कार्यक्रम लगभग डेढ़ घंटे तक चलता है और अब शराब पीने के बाद उस मरीज का रिश्तेदार कहता है की उसे अब घर जाना है संजय कहता है की ठीक है मैं उबर बाइक बुक कर देता हूँ उबर बाइक आती है और वो मरीज का रिश्तेदार चला जाता है तारीख 9 अगस्त समय रात के तीन बजे अब रात के तीन बज चुके हैं और संजय रॉय अस्पताल के उस सुनसान कोने में अकेला है अब संजय सोचता है कि कहीं चलकर आराम किया जाए और वो उस सुनसान जगह से निकलकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचता है जो चेस्ट डिपार्टमेंट था और रात तीन बजे बिल्कुल खाली था इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहाँ आमतौर पर अस्पताल की मीटिंग्स या छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे इस सेमिनार हॉल में लगभग चालीस कुर्सियाँ लगी थी अब संजय रॉय आराम करने के लिए इस सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है और गेट को धक्का देता है तो गेट पहले से ही खुला था और अंदर लाइट जल रही थी संजय देखता है कि सामने कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है जिसकी आंखें बंद हैं। ये जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर यहाँ तक पहुंची थी आंखों में ढेरों सपने दुनिया जहान को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत और बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून साथ ही माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां सर पर लिए गरीब माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था जूनियर डॉक्टर का सिर्फ तीन लोगों का परिवार था जिसमें माँ बाप और जूनियर डॉक्टर थी जूनियर डॉक्टर्स के पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर बेच घर चलाते और यही स्कूल यूनिफॉर्म बेच बेच कर और खून पसीना बहाकर उन्होंने अपनी बेटी को एम बी बी एस कराया और क्योंकि बेटी घर के हालात को समझती थी तो उसने भी पूरी मेहनत की और आर्जी कर अस्पताल में पहुँच जाती है जहाँ वो इस समय सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और आप सब जानते हैं कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगती है तो मरीज को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं जूनियर डॉक्टर भी चेस्ट डिपार्टमेंट में ही थी और कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी रात दो बजे डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती है और फिर डॉक्टर के कुछ दोस्त मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं पर क्योंकि इस जूनियर डॉक्टर के पास मरीज नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए क्योंकि फिलहाल कोई मरीज नहीं है और फिर डॉक्टर तीन बजे उस सेमिनार हॉल में आती हैं और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठ कर आंख बंद कर लेती हैं और उसे नींद आ जाती है और अब रात के तीन बजकर पंद्रह मिनट हो रहे हैं और संजय रॉय भी शराब के नशे में इस सेमिनार हॉल में आ गया है और डॉक्टर को देखकर उसके अंदर घिनौने ख्याल आने लगते हैं वो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर झपट पड़ता है और जूनियर डॉक्टर्स के बदन को नोचना शुरू करता है पहले वो डॉक्टर खोब लड़ती है जिसकी वजह से उसकी आंखों पर गर्दन पर होठों पर और तमाम अंगों पर चोट लगती है और खून का रिशाव होने लगता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर खून के रिसाव के कारण शायद बेहोश हो जाती है पर अभी भी संजय की हैवानियत खत्म नहीं होती और वो अगले 40 मिनट तक हैवान बना रहता है फिर 40 मिनट बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसी कोलकाता पुलिस बैरक में जाता है जहाँ वो रोज सोता था और बड़ी बेफिक्री के साथ वहीं जाकर सो जाता है तारीख 9 अगस्त समय सुबह के साढ़े आठ बजे एक तरफ संजय रॉय सो रहा है और दूसरी तरफ जब सुबह साढ़े आठ बजे हॉस्पिटल के एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में जाता है और जब वो अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर खून ऐसी लथपथ जमीन पर पड़ी है जिसके जिस्म पर ऊपर कपड़े हैं पर नीचे कुछ भी नहीं है और पूरा जिस्म घाव से भरा हुआ है है जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसे चोट न लगी हो पूरे शरीर से खून का रिसाव हो रहा है इतना सब देख उसकी चीखे निकल आती है और देखते ही देखते अस्पताल का पूरा स्टाफ वहां पहुंच जाता है वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की पुलिस आई और लाश के साथ कुछ सामान जैसे लैपटॉप मोबाइल और कुछ सामान को एविडेंस के रूप में इकट्ठा कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वहाँ छानबीन करने लगती है अचानक पुलिस की नज़र एक नेकबैंड ब्लूटूथ डिवाइस पर जाती है जो वहीं गिरा था पुलिस को ये ब्लूटूथ डिवाइस संदिग्ध लगता है तो पुलिस इस डिवाइस को जूनियर डॉक्टर के दोस्तों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर कनेक्ट नहीं होता अब पुलिस इस ब्लूटूथ डिवाइस की गुत्थी को सुलझाना चाहती है और सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय सेमिनार हॉल में आता दिखाई देता है जिसकी गर्दन पर ये नेकबैंड ब्लूटूथ डिवाइस लगा होता है अब पुलिस लोगों से संजय के बारे में में वहाँ मौजूद लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि ये एक सिविक वॉलेंटियर जो पुलिस के लिए काम करता है और आमतौर पर अस्पताल के पास मौजूद पुलिस चौकी में सोता है अब पुलिस उस बैरक में पहुँचती है जहाँ संजय सो रहा होता है पुलिस उसे उठाती है और घटना स्थल पर मिले नेकबैंड ब्लूटूथ डिवाइस को इसके फोन से कनेक्ट करती है और इस बार वो ब्लूटूथ संजय के फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है पुलिस ने यहाँ आधा मसला हल कर लिया था और लगभग सब कुछ साफ था अब पुलिस उस बैरक की तलाशी लेती है संजय रॉय ने जो कपड़े रात में पहने थे उसे धो दिए थे लेकिन जूतों पर उसकी नजर नहीं गई और जब पुलिस ने उसके जूते देखे तो उन जूतों के नीचे खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे पुलिस ने जूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया अब तक पूरे अस्पताल अस्पताल के डॉक्टर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर था सभी डॉक्टर्स और स्टाफ इस, इस घटना से आहत थे कुछ समय बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसे देखकर हर किसी का कलेजा फट गया नंबर एक दोनों आंखों से खून बह रहा था नंबर दो मुंह से खून बह रहा था नंबर तीन प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था नंबर चार पेट बुरी तरह से जख्मी था नंबर पांच बाया पैर टूटा हुआ था नंबर छह गर्दन टूटी हुई थी नंबर सात दाहिना हाथ टूटा हुआ था नंबर आठ रिंग फिंगर टूटी हुई थी नंबर नौ होट से भी खून रिस रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लोग आग बबूला हो गए और वो भी क्यों न ऐसे विभत्स घटना सुनकर कोई आग बबूला न हो तो मेरी समझ से वो इंसान हो ही नहीं सकता कोलकाता पुलिस के हिसाब से केस यहीं पर खत्म हो गया आपको क्या लगता है क्या सीबीआई जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े मामले हैं जो सीबीआई के पास हैं पर अब तक उन पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ सका है तो क्या यहाँ हम इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद